हेलो फ्रेंड, मऊ लाइफ से मैं एमडी दिलसाद। हमारे पहले वीडियो जीके अड्डा के विजेता हैं मोहम्मद सलीम और सेकेंड पे आई हैं सुम्बुल फिरदौस। मऊ लाइव में आपका स्वागत है। ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर मऊ लाइव एक बार और लेकर आया है आपके लिए 5 सवाल। उन सवालों के सही जवाब देने वाले को मिलेगा पेटीएम कैश। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। हम लोगों ने फल बहुत खाए होंगे और बहुत से फल के नाम भी जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा होता है? हमारा पहला सवाल ये है कि दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हम नदियों में बहुत नहाए होंगे और बहुत से नदियों के नाम भी जानते होंगे, और ये सवाल नदियों से ही रिलेटेड है। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि भारत, पाकिस्तान और चीन से बहने वाली नदी का क्या नाम है? जी हाँ, हमारा दूसरा सवाल है भारत, पाकिस्तान और चीन से बहने वाली नदी का क्या नाम है। आइए बढ़ते हैं आगे। हम जानते हैं कि हमारा भारत पहले गुलाम था और कई सालों तक गुलामी की, और भारत को आज़ाद कराने के लिए कई जवानों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं। उन्हीं में से एक है भगत सिंह। जी हाँ, मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले जज का क्या नाम था? जी हाँ, हमारा तीसरा सवाल ये है कि भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले जज का क्या नाम था। आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। सुबह उठ के मुँह धुलने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं बताता हूँ, 100 में से 75% लोग चाय एक्सपेक्ट करते हैं और 25% लोग दूध, फल वगैरह ये एक्सपेक्ट करते हैं, और इसमें काफ़ी भी शामिल है। तो हमारा सवाल चाय से रिलेटेड है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, हमारा चौथा सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल। सवाल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने गाड़ियों को तो देखा ही होगा, और जब गाड़ियों को देखा है आपने तो आप उस पर बैठे भी होंगे, और जब आप गाड़ियों पे बैठे हैं तो आपने उन्हें चलाया भी होगा। अगर आपने गाड़ियों को चलाया है तो आप गाड़ियों को लेकर रोड पे निकले ज़रूर होंगे। तो रोड पे निकलने के बाद आपको लाल, हरा, पीला बत्ती दिखता है, जिसको हम ट्रैफिक लाइट कहते हैं। जी हाँ, हमारा सवाल ट्रैफिक लाइट पे है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें ट्रैफिक लाइट नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स से चलते हैं। जी हाँ, हमारा पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश में ट्रैफिक लाइट नहीं है, फिर भी वो लोग ट्रैफिक रूल्स से चलते हैं। इस सवाल के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जवाब देने के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक ज़रूरी बात कि आप अपना जवाब, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, उसमें दें। कमेंट बॉक्स में देने से चीटिंग हो जाती है। गुड बाय।